हाय गाइस, वेलकम टू डेली बीट्स। आज एक स्मार्टफोन गिम्बल का अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आया हूं। डीजे ओस्मो मोबाइल एसी, अभी जस्ट मैं परचेस करके आया हूं और ये अमेज़न में भी अवेलेबल है। 9999 रुपीज समथिंग है उसका प्राइस। अभी डायरेक्ट परचेस है तो थोड़ा बहुत हमें डिस्काउंट मिला है। आज इस वीडियो में इसका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, यूसेज और क्या क्या इसके साथ मिलता है, कौन सा ऐप हमें यूज करना है, कैसे इसको यूज करना है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। मेरे साथ वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा और जो भी आपका कमेंट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लस जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा। अभी इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। शॉप से परचेस किया था तो चेकिंग के लिए मैंने ऑलरेडी रैपर निकाल रखा है, फिर भी इसको खोल देते हैं। इसका मेन कवर में ही इसको कौन सा मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, मैग्नेटिक स्ट्रिप कैसे अटैच होता है और कहाँ लगाना है और इसका फंक्शन सब मतलब एक डायग्राम दिया हुआ है। और उसके बाद एक प्रीमियम कवर, अच्छा से एक फैब्रिक कवर हमें दिया हुआ है जो इसका कैरी करने के लिए, बाकी जो गाइडलाइंस है प्लस वारंटी कार्ड वाला है। एक बार ध्यान से पढ़ लेना क्या क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद हमें इसमें 4 पीसेस एंटी स्लिप पैड दिया हुआ है। ये मोबाइल होल्डिंग के टाइम में अगर स्लिप हो रहा है तो वो काम आ सकता है। फिर हमें प्रोवाइड किया हुआ है एक अच्छा से एक ट्राइपॉड, अगर ब्लॉगिंग के टाइम पे और हमें कुछ वीडियो वगैरह लेना है और जो सिस्टम जो अपना डिवाइस है वो स्टैंड पे लगाने के लिए ये काम आ सकता है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया बना रखा है, इसको ऐसे टाइट करके यूज़ कर सकता है। फिर एक ब्लैक कलर का टाइप सी केबल हमें प्रोवाइड किया हुआ है डिवाइस को चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, ये है मैग्नेटिक स्ट्रिप, ये है मोबाइल के पीछे लगा के फिर जो डिवाइस के साथ अटैच करने के लिए हमें हेल्प करेगा। उसको लगाते समय ध्यान रख देना जो डीजे जो लिखा हुआ वो मोबाइल के ऊपर की तरफ होना चाहिए और कोई भी बटन दबना नहीं चाहिए। अब हमारा मेन डिवाइस पर चलते हैं। ये है हमारा डिवाइस गिम्बल। इसको ओपन करने के लिए ज़्यादा पावर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। उसके बाद जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है इसको आराम से ऐसे लगाना है, प्लस एक टिक साउंड आ जाएगा। तो ये इस डिवाइस का कंट्रोल पैनल है, इसमें 4 बटन्स आपको मिल जाएगा, एक एम, एक लाल बटन, एक राउंड वाला, एक जॉयस्टिक, साइड में एक छोटा सा बटन, प्लस पीछे एक बटन। नीचे ऑलरेडी हमने ट्राइपॉड लगा रखा है, बिल्ड क्वालिटी एकदम बढ़िया है। अब गिम्बल को ऑन करते हैं। इसमें जो एम बटन है इसको सिंगल प्रेस करने से इसका बैटरी स्टेटस दिखता है और लॉन्ग प्रेस करने से सिस्टम ऑन हो जाता है। अभी डिवाइस मोबाइल के साथ अटैच करने के लिए हमें ऐप इसमें आप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप कहाँ से मिलता है वो पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है। DJI मेमो ऐप है, ब्लूटूथ हमारा मोबाइल को ब्लूटूथ कनेक्ट करके फिर उसको कनेक्शन दे दो, फिर कनेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। आप देखो अभी हमारा सिस्टम और प्लस मोबाइल कनेक्ट हो गया है। अभी इसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है, इसको अगर वर्टिकल करना है तो हमें ये जो थर्ड बटन है ये 2 times प्रेस करना है। अगर सेम स्विच सिंगल टाइम प्रेस करेगा तो बैक कैम टू सेल्फी, सेल्फी टू बैक कैम मोड में चेंज हो जाएगा। ये गिम्बल का जॉयस्टिक है, इसे ऊपर नीचे राइट लेफ्ट मूवमेंट करवा सकते हैं। ये इसका जूम बटन है, इसको ऊपर नीचे करने से ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। ये M बटन थोड़ा लॉन्ग प्रेस करने से ये स्टैंड बाई मोड में भी वापस भी आ सकता है।
अगर फोटोज वीडियो कुछ भी रिकॉर्ड करना है तो सेकंड बटन पिंग बटन प्रेस करना है। ये एक्टिव ट्रैकिंग बटन है, इसलिए ये एक बार क्लिक करने से जो भी फोकस है उसको फिर लॉक कर देते हैं। एक्चुअली जो भी अगर सेल्फी हो या बैक कैमरा हो, जहाँ पे भी इसने फोकस कर दिया, एक बार लॉक कर दिया, फिर एक्टिव ट्रैकिंग कर देते हैं। मतलब हम लोगों को अगर हम अकेले हैं, हमें कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, हमें ब्लॉगिंग करना है या किसी चीज़ के बारे में बताना है, हम जहाँ पे भी मूवमेंट करता है हमें हमारा पीछे ही कैमरा मतलब एक्सेस कर लेते हैं और एक्टिवली ट्रैकिंग करते हैं। सी हमने एक प्रेस किया तो एक बार जो क्लिक किया तो वहाँ पे वो फोकस को सेलेक्ट करके एक स्पॉट हमें दिखा रहा है, वहाँ पे लॉक हो जाएगा, फिर उसका शूटिंग आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ये वाला स्विच, अगर 3 times आपने प्रेस कर दिया तो जिस मोड पे आप चल रहे हैं, अगर फोटो है तो वीडियो मोड पे, नहीं तो वीडियो है तो फोटो मोड पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप वो जो पिंक बटन दबाने से उसका रिकॉर्डिंग भी आराम से कर सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका। ये सबके अलावा गिम्बल में ऑलरेडी सेट किया हुआ कुछ शॉर्ट गाइड्स है, वो हमें असिस्ट करेगा कैसे कैसे करना है, किस टाइम नेचर में, पार्क में, सिटी में, ये सब में कैसे हम लोग को शूटिंग करना है करके। बिगिनर्स को वीडियोस उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, वो चेक करके भी हम लोग को सीख सकता है इनिशियल स्टेज में कैसे वीडियोस बनाना है, कैसे एडिटिंग करना है, कैसे किस मोड पे डालना है, ये सब उसमें शॉर्ट गाइड्स में बता देता है। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवरअप हो गया है। अभी इस वीडियो के बारे में आप लोगों को कोई भी कमेंट्स हो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सेम वे इस टाइप का वीडियोस और मिलने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।